जय बाबा केदारनाथ की। आप सभी भक्त जन को दिल से दुआ करता हूँ कि बाबा केदारनाथ आप सभी को श्रद्धा मनोकामना पूर्ण कर दे। जिस शक्ति भाव से आप लोग आए हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में, तो देखिए बाबा केदारनाथ के मंदिर भव्य। तो आप लोग वीडियो के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और देखिए बाबा केदारनाथ का दरबार में आप सभी को लेके आए हैं। और देखिए आप लोग बाबा केदारनाथ से अपना जो जो मन में है अपना मांगिए। शक्तिपीठ है और देख सकते हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में कितना भीड़ है। और देखिए मंदिर बिल्कुल क्या खूब है। और सबसे खूबसूरत चीज़ यह है कि चारों बगली से पहाड़ है, पहाड़ पे एकदम बर्फ जमा हुआ है, तो कितना प्यारा लगता है। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। तो आप लोग जब भी बाबा केदारनाथ के दरबार में जाए एकदम शांतिपूर्वक जाए, पूरा नियम निष्ठा से जाए, कोई चीज़ की गलती नहीं होना चाहिए। देखिए बाबा का मंदिर कितना खूबसूरत है और देख सकते हैं आप लोग लाइव दर्शन करवाए हैं आप लोगों को बाबा केदारनाथ के। तो आप लोग का फर्ज होता है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो आप लोग जितना मेरा यूट्यूब परिवार है तो आप लोगों को दिल से मैं दुआ करूँगा। और देखिए बाबा का दरबार में कितना अच्छा है लग रहा है, मन तो ऐसा लग रहा है कि मन नहीं करता यहाँ से हिलने डोलने का, लेकिन क्या करें, बाबा केदारनाथ के से आशीर्वाद लेने के लिए भक्त जन दूर दूर से आए हैं। अब बहुत ही खुशी की बात है, देखिए बाबा केदारनाथ सबको खुश करते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ का सुविधा उपलब्ध है, अपना सबका कारोबार है। तो आप लोग जो यहाँ पे आते हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि बाबा से दर्शन हो गया, तो बहुत मन खुश होता है। बाबा भी आप लोग को आशीर्वाद देते हैं कि भक्त जन एकदम खुश रहे, खुशहाल रहे, दनदनाते रहें, एकदम आशीर्वाद है बाबा का। तो बाबा केदारनाथ के दरबार में कितना अच्छा लग रहा है, तो बात ही कुछ और है। बाबा केदारनाथ से जिसको जो मांगना है इस वीडियो को देख के अपने दिल में भक्ति भाव से श्रद्धा से मांगिए। बाबा केदारनाथ आप लोगों को इतना देंगे कि जी भर के देंगे आप लोगों को, आप लोग खुश हो जाएगा। आशीर्वाद में बाबा की कमी नहीं होती। देख सकते हैं बाबा का मंदिर कितना खूबसूरत है, दूर से कितना अच्छा लग रहे हैं, पास में जाने में और अच्छा लगता है। यहाँ पर हेलीपैड की भी सुविधा है, बहुत सारी चीज़ का सुविधा है यहाँ पे, घूमने फिरने अगल बगल में दर्शन करने का बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाबा केदारनाथ से मुलाकात कीजिए, आइए भक्तजन। और अभी कपाट खुला हुआ है तो आप लोग पूरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए एकदम आइए। लेकिन बाबा से मिलने के लिए सरकार का नियम कितना अच्छा है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तभी बाबा से मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुविधा है, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए साइबर कैफे से जहाँ से भी हो, उसके बाद आप लोग जाइए अपना सब चीज़ चेकअप करा के। तो बाबा से मिलने का दिल इतना करते हैं भक्तजन के कि क्या कहें। देख सकते हैं इस पे पीठ पे बैठा के डोली उली जो बाबा से दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं, सभी लोग घूम रहे हैं। आप जिसको चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो नीचे से लेकर, जिसको उतरने में दिक्कत हो रही है वो लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनका भी रोज़गार है। तो आप लोग को मैं तो यही कहूँगा कि दिल से दुआ है मेरे तरफ से, जो मेरे वीडियो मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाबा केदारनाथ से मैं विनती करूँगा, एकदम हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि बाबा आशीर्वाद दीजिए। देखिए भक्त जन लेट लेट के आशीर्वाद कर रहे हैं, ले रहे हैं कि बाबा हमें आशीर्वाद दे दो, एकदम दूर से आए हैं। बाबा किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। अब बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छे अच्छे कहानी हैं जो लोग सुनाते हैं और सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए एक बार आपदा आए थे तो बाबा का अगल बगल का सारा चीज़ नष्ट हो गए, लेकिन बाबा का मंदिर में ज़रा से भी
खरोच नहीं आया है कि बाबा का नुकसान हो जाए। तो कहते हैं ना, बाबा में शक्ति बहुत है, देख सकते हैं आप लोग। भक्तजन अपना आशीर्वाद लेने के लिए देखिए क्या क्या कर रहे हैं, कितना खूबसूरत। आप देखिए बाबा का मंदिर जो है ना, क्या कहे आप लोगों को, मन नहीं करता यहाँ से हटने का। और देख, वीडियो देखने के तो इतना मन करता है कि मन नहीं कर रहा है वीडियो को स्किप करके देखे, वीडियो पूरा देखे शुरू से एंड तक, क्योंकि बाबा का भक्तजन जो दर्शन कराते हैं ना, क्या कहें, एकदम लाजवाब होते हैं। तो आप लोग से दिल से दुआ है कि आप लोग आइए, बाबा से मुलाकात कीजिए, बाबा के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचिए। भक्तजन बिल्कुल मर पड़े हैं और देख सकते हैं आप लोग, भीड़ भी बहुत है, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रहे हैं। देखिए इस पर डोली उली सब है जो पीठ पे बैठा के लेके जाते हैं, उन सब का भी है अपना रोजगार है। तो आप लोग सभी भक्तजन से मैं अनुरोध करूँगा, तो आप लोग जब भी आए बाबा केदारनाथ के दरबार में, एकदम शांतिपूर्वक शक्ति भाव श्रद्धा से आइए। थोड़ा सा भी इधर उधर की बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ आइए। बाबा आपका जो भी मन में है सब पूरा करेंगे, बाबा सब जानते हैं कि भक्तजन जब भी आते हैं मेरे दरबार में, उनके ऊपर कोई कष्ट होता है तभी आता है। तो क्या कहें बाबा से, मुझे तो सबसे अच्छा लगता है जो बाबा के चारों बगली पहाड़ है, उस पहाड़ पे एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा चादर है, यानी कि चादर की तरह एकदम ढका हुआ है पहाड़, तो उस पर बर्फ़ है, बहुत खूब लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है, मन करता है कि यहाँ से हिलने का नहीं, वीडियो के देखने से आवाज़ नहीं आता है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बाबा केदारनाथ के दरबार में आप सभी को स्वागत है भक्तजन का, और आप लोग मेरे वीडियो को देख के बाबा केदारनाथ से आशीर्वाद ले सकते हैं कि बाबा टाइम मिलेगा तो हम भी आपके दरबार में आएंगे। और देखिए बाबा कहते हैं टाइम नहीं, बाबा के लिए टाइम ही टाइम है, बाबा अपने एक बार भक्तजन को याद कर लेना, भक्त के पास टाइम रहे चाहे ना रहे, बाबा के पास जाएंगे तो जाएंगे। कहते हैं ना बाबा के अंदर शक्ति बहुत है। तो देखिए बाबा केदारनाथ के दरबार में कितना खूबसूरत लग रहा है, अगल बगल का वातावरण भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग आइए, एकदम स्वागत है बाबा केदारनाथ के दरबार में। देख सकते हैं आप लोग, बाबा से दर्शन करने के लिए लंबी कतार लाइन लगे हैं, सभी लोग मिलजुल के अपना दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब बाबा के दरबार में आने से कमी नहीं होती है, क्योंकि कोई चीज़ का घाटा नहीं होता, क्योंकि बाबा से हम दिल से आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो बाबा किसी के नाराज नहीं। पहली बात तो बाबा के पास लंगड़ा लुल्ला काना कुतरा कोई भी जाए, बाबा किसी से घृणा नहीं करते हैं, बाबा के लिए सभी बालक ही समान हैं। बाबा केदारनाथ के महिमा एकदम अपरंपार है, बाबा केदारनाथ का लीला एकदम जगता जोर है, उनका कोई तोड़ नहीं है। बाबा केदारनाथ के ऊपर एकदम माता रानी सब आशीर्वाद देते हैं, बाबा केदारनाथ सभी को पूरा करते हैं एकदम। देखिए पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बर्फ, तो क्या करें, बाबा केदारनाथ के दरबार में तो बर्फ ही बर्फ है, दिल खुश हो जाता है। तो देखिए कहते हैं ना, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म का बहुत ही महिमा अपरंपार है, और देख सकते हैं आप लोग। तो सभी भक्तजन से मेरा विनती है, अनुरोध है कि जो भी लोग बाबा केदारनाथ के दरबार में जाते हैं तो एकदम शांतिपूर्वक जाइए, रहिए, बाबा से मुलाकात कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, पूजा पाठ कीजिए विधि विधान से, उसके बाद आप लोग वहाँ से अपने घर की ओर चलिए, और आप लोग वहाँ पे ऐसा कोई हरकत ना करें कि बाबा को मन में ठेस पहुँचे कि भक्तजन आए और मेरे को मेरे यहाँ का लोगों को क्षति पहुँचाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग एकदम शांतिपूर्वक आइए, एकदम खुश कीजिए। देखिए बाबा के दरबार में हेलीपैड, देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए बाबा के दरबार में जब भी आप लोग आए ना, सभी चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, हेलीपैड घोड़ा खच्चर होटल वोटल सब है। आप लोग एक बार आइए श्रद्धा भाव से, आप बाबा के दरबार में एकदम इंजॉय कीजिए, आप बाबा से आशीर्वाद लेके उसके बाद अपने घर की ओर आइए। देखिए बाबा के दरबार में प्यारा सा हेलीपैड भी बना हुआ है, वहाँ पे आपको जिस चीज़ का सुविधा लेना है वो चीज़ भी मिल जा रहे हैं यहाँ पे, तो खुशी की बात है। देख सकते हो भैया लोग और भक्त लोग एकदम
मोबाइल से अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं कि घर पे आएंगे तो दिखाएंगे अपने अड़ोसी पड़ोसी के कि बाबा के दरबार में कमी कोई चीज़ का नहीं है। तो आप लोग भी आइए, बाबा के दरबार में जाइए, आशीर्वाद लीजिए बाबा से। और बाबा केदारनाथ की तो महिमा एकदम अपरंपार है, एक भी रति छिन्न नहीं है। बाबा सभी को आशीर्वाद देते हैं। देखिए हेलीपैड यानी कि हेलीकॉप्टर है और नीचे में हेलीपैड है उसको उतरने का, और देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के भी सुविधा है, चारों बगली घुमा रहे हैं। आराम से अपना एंजॉय कीजिए, बाबा के दरबार में आइए और भक्तजन एकदम मिलजुल के रहिए, एक भी बदतमीजी वाली बात नहीं होना चाहिए। देखिए हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, बाबा से दर्शन कीजिए हेलीकॉप्टर की सुविधा से। और अगल बगल में पहाड़ देख सकते हैं कितना अच्छा है। कहते हैं ना क्षतिग्रस्त होने के बाद भी बाबा एकदम अपना रूप में आते हैं तो सबको आशीर्वाद दे के जाते हैं। बोलो केदारनाथ बाबा की जय, जय बाबा।